सभी को नमस्कार, अभिवादन। आज मैं देशभक्ति की बात करूंगा, वीर गाथा 3.0 अभियान की बात करूंगा। अभी हम सबने मिलकर 15 अगस्त बनाया, हर घर झंडा अभियान में हमने सक्रिय भागीदारी की। आपको महसूस ही हुआ होगा ना, जब हम 15 अगस्त पर, 26 जनवरी पर, कभी भी जब हम अपने देशभक्ति को प्रकट करते हैं, विभिन्न नारे लगाते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, सरदार भगत सिंह अमर रहे, जब इस प्रकार की हम एक्टिविटी करते हैं, तो आपने देखा हमारी शारीरिक, भावनात्मक और हमारी मानसिक बहुत तरह से हम प्रभावित होते हैं। हमारी भावनाएं जागृत हो जाती हैं, बहुत कुछ कर गुजरने का जज्बा अपने आप पैदा हो जाता है ना। अब अगर हम किसी अपने शहीद की बात करें, और हम बात करें कैप्टन विक्रम बत्रा की, जिसने कहा था या तो मैं लहराते तिरंगे के पीछे आऊँगा या तिरंगे में लिपटा हुआ आऊँगा, पर मैं आऊँगा ज़रूर। जब ऐसी भावनाएं हमारे बीच आती हैं तो क्या होता है, मेरा बलिदान सार्थक होने से पहले अगर मौत दस्तक देगी तो संकल्प लेता हूं कि मैं मौत को भी मार डालूंगा, कैप्टन मनोज पांडे। और भी न जाने कितने वीर, चाहे मैं मेजर विवेक गुप्ता की बात करूं, या मैं बात करूं सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव की, या और भी बहुत से सूर जिनके नाम में संख्या हैं, जिन्होंने हमारे भारत देश की सेवा करने में अपने प्राण निछावर कर दिए और उन्हें बहुत से सम्मान प्राप्त हुए, इनकी मैं चर्चा करूंगा। आपने देखा होगा कि न्यूरो ट्रांसमीटर के रिलीज होने के कारण जब हम अपने शौर्य गाथा हम गाते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, तो न्यूरो ट्रांसमीटर के रिलीज होने से बॉडी में कभी कभी ना हमारी आँख फटी की फटी रह जाती है। आपने देखा जब बत्रा सर के ऊपर एक पिक्चर आई सहरसा, मैंने उसे देखा, जरा कितनी जगह ऐसी हुई कि जो आँखें फैली की फैली रह गई, है ना। हमारे जो एक तरीके से चेहरे पर भी बहुत से भाव उत्पन्न हो जाते हैं, हम चाहते हैं कि काश हमें मौका मिले, हमारे अगर वीर पर किसी ने वार किया तो हम पलटवार करें, सर काट के कलम कर दें। बहुत सी भावनाएं आती हैं, इन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कभी कभी हमें प्लेटफॉर्म भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। वीर पदक पाने वाले शेरों के प्रति हमारे मन में हमेशा ही भावनाएं रहती हैं, बहुत तरह की भावनाएं रहती हैं, आवेग रहते हैं मन में, उनको हम प्रकट कैसे करें। माई गवर्नमेंट पोर्टल, भारत सरकार का एक बनाया हुआ पोर्टल है, माई गवर्नमेंट पोर्टल। इस पोर्टल के द्वारा हम सभी को अवसर मिल रहा है, किस प्रकार का अवसर, कि अपने वीर पदक पाने वाले शेरों के प्रति अपने सम्मान, अपनी भावनाओं को हम व्यक्त कर सकें। इस पोर्टल पर हमें उन्हें कैसे व्यक्त करना है, हम अपने कहानी लेखन, कविता लेखन, निबंध लेखन के माध्यम से अपने शब्दों को व्यक्त करें और पोर्टल पर जाकर अपलोड कर दें। अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य जी के द्वारा प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में एक अभियान गतिमान है, जिसमें हम अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अपने वीर पदक पाने वाले सैनिकों, शूरवीरों, योद्धाओं, बहुत से शब्द आप कह सकते हैं, उनके प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, उनके जीवन गाथा से संबंध में, उनके जीवन से हम किस प्रकार प्रेरित हुए और किस प्रकार अन्य को प्रेरित कर सकते हैं, मेरे मन में क्या सम्मान है, मेरे मन में क्या आदर है, क्या भाव है, उनको व्यक्त करें कहानी के माध्यम से, निबंध के माध्यम से, कविता के माध्यम से। अगर हम नहीं कविता लिख सकते तो ड्राइंग बना दें, पेंटिंग बना दें, या कोई मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बना दें, और उस मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ तो उसे YouTube पर अपलोड करके उसका URL हम पेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह एक पोर्टल हमें एक स्मरणीय, प्रशंसनीय और स्वर्णिम अवसर प्रदान कर रहा है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। वीर गाथा 3.0 का मतलब क्या है? वीर गाथा परियोजना 3.0 से पहले 1.0 और 2.0 को हम गतिवान कर चुके हैं। वीर गाथा परियोजना की स्थापना 2021 में वीरता पुरस्कार पोर्टल यानी कि गैलेंट्री अवार्ड्स पोर्टल GAP के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य एक ही है कि देशभक्ति की भावना को बढ़ाया जा सके। हम में सब में देशभक्ति कूट कूट कर पड़ी है, पर अगर हम अपने मन में भाव तो रख रहे हैं, चेहरे पर भाव आ रहे हैं, आंखें फैली की फैली हैं, पर अगर हम किसी के सम्मान में अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त ना कर सकें, वो एक फर्ज बनता है हमारा। अगर मेरे कॉलेज का मेरे विद्यार्थी ही एक सचिन कुमार, वो शहीद हो गया था, है ना, तो उनके प्रति उनके माता पिता को सम्मानित करना, उनके उसके किए गए कार्यों को पूरे पब्लिक को बताना, वो मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, है ना। तो इसी प्रकार अपने क्षेत्रता को भी बढ़ावा दें, अपने सैनिकों के प्रति उनके कार्यों को, उनके बहादुरों के जीवन कहानियों को, विवरण को छात्रों के बीच प्रसारित करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इस परियोजना का समापन हर साल गणतंत्र दिवस समारोह में किया जाता है। आपको बताऊं, 2021-22 में जब वीर गाथा 1.0 आयोजित हुआ था तो 8 लाख विद्यार्थियों ने उसमें प्रतिभाग किया था,
और वीर गाथा 2.0 जो 2022-23 में हुआ था उसमें 19.5 यानी 19.5 लाख विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया था। और आज हम बात कर रहे हैं वीर गाथा परियोजना 3.0 की, जिसका आयोजन 8 अगस्त से आरंभ हो चुका है और यह आयोजन चलेगा 17 अक्टूबर 2023 तक। इस आयोजन में बच्चों को 4 श्रेणियों में प्रतिभाग कर सकते हैं। कक्षा 3 से 5 से विद्यार्थी को 150 शब्दों में अपनी कविता या निबंध लिखनी होगी, या पेंटिंग बनानी होगी, या ड्राइंग, या मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, या वीडियो। सभी के लिए विषय एक हैं, कॉमन, केवल शब्दों की संख्या का अंतर है। कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थी 150 शब्द लिख सकते हैं, कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थी 300 शब्द, कक्षा 9 से 10 तक के विद्यार्थी 750 शब्दों में अपनी बात कह सकते हैं, और कक्षा 11 से 12 के विद्यार्थी 1000 शब्दों में अपनी बात कह सकते हैं। शब्द सीमा का ध्यान रखेंगे। और ये विद्यालय स्तर पर जो आयोजन है उसकी अंतिम तिथि 15 सितंबर 2023 है। अक्टूबर तक जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करना है ना, उन्हीं प्रविष्टियों का चयन किया जाएगा ना, इसमें समय लगेगा। तो प्रत्येक विद्यालय से मेरा निवेदन उनके शिक्षकों से, उनके प्रधानाचार्यों से, कि 15 सितंबर 2023 तक अपने विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित करें, और विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित करने के बाद विजेता वीर जो पदक हैं उनको पाने वाले के सम्मान में विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित करें, उनको आयोजित करने के बाद विभिन्न वर्गों में एक एक विद्यार्थी का चयन करें, है ना। जैसे कक्षा 3 से 5 का एक विद्यार्थी, कक्षा 6 से 8 का एक विद्यार्थी, कक्षा 9 से 10 का एक विद्यार्थी, कक्षा 11 से 12 का एक विद्यार्थी, और उन 4 बच्चों का नामांकन माई गवर्नमेंट पोर्टल पर ऑनलाइन के माध्यम से कर दें। कैसे करेंगे उसकी चर्चा भी मैं इस वीडियो के अंत में धीरे धीरे करता चला जाऊँगा। अगर बाई चांस कोई विद्यालय केवल 9th-10th का है, उसमें केवल कक्षा 9 और कक्षा 10 ही गतिमान है, तो उसको भी 4 एंट्री करनी है। एक एंट्री 9th की कर सकते हैं, 3 10th की, या एक एंट्री क्लास 10 के बच्चे की, 3 एंट्री क्लास 9 के बच्चे की, या 2 की 2-2, यानी कम से कम एक एक कैटेगरी में एक एंट्री करनी जरूरी है, अनिवार्य है। राष्ट्रीय स्तर पर 100 विजेताओं को, प्रत्येक कैटेगरी के 25 विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। कितने बड़े सम्मान की बात है कि अभिव्यक्ति भी हमारी, विचार भी हमारा, सम्मान हम दे रहे हैं और साथ ही साथ हमें भी सम्मान मिल रहा है। तो वीर गाथा परियोजना 3.0 के अंतर्गत 100 विजेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा, है ना। और साथ ही साथ इसमें राज्य स्तर पर भी सम्मान, जिला स्तर पर भी सम्मान किया जाएगा, और जिन छात्रों की प्रविष्टि पोर्टल पर अपलोड की गई है उन्हें सहभागिता का ई प्रमाण पत्र मिलेगा। यानी आपने अगर आपने सहभागिता की, कि जितने भी बच्चों ने, सभी बच्चों को एक प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि हम सभी के लिए सम्मान की बात है। अब चर्चा आती है कि हम प्रतिभाग करेंगे कैसे। हमने क्या किया, कोई निबंध लिख लिया, बच्चे ने लिख लिया, तो प्रिंसिपल सर हमारे आवेदन करेंगे कैसे। जो निबंध लिखा उसके हम PDF बना लेंगे, और उस PDF का साइज 4 MB से कम हो। अगर किसी बच्चे ने कोई ड्राइंग बनाई, उसका हमने सिलेक्शन किया, तो उसको भी हम PDF में कन्वर्ट कर देंगे या JPG में कन्वर्ट कर देंगे, और PDF और JPG का साइज क्या होगा, 4 MB से कम होगा। कोई वीडियो बनाया, कोई मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाया, तो उसका हम URL बना लेंगे, उसे YouTube पे हम अपलोड कर देंगे अपने चैनल पर, और उसका एक URL बनेगा, उस URL को हम पोस्ट करेंगे। तो इस प्रकार हम अपना आवेदन कर पाएंगे।